सीटों के उपचुनाव उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हुई सीएम आवास पर बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों चुनाव की चुनाव समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मंत्री उदयलाल आंचना, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। दोनों सीटों पर 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। गहलोत नामांकन सभा को संबोधित करने बैठक में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस की रणनीति पर भी मंथन हुआ है। सुशांत पारिक हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं। सुशांत, पूरी जानकारी क्या है, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पर? देखिए, फोकस दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार को लेकर बातचीत हुई है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर बातचीत हुई है। चुनाव प्रचार का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार बड़ा फोकस जो है वो संजय नुक्कड़ सभाओं पे और डोर टू डोर जनसंपर्क पे रहेगा। हालांकि दोनों जगह सीएम 8 अक्टूबर को जा रहे हैं और दोनों ही जगहों पर सीएम नामांकन सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी जब नामांकन दाखिल करने जाएंगे उस समय मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में सीएम ने कहा है कि प्रत्येक मतदाता तक कैसे पहुंच रहे कांग्रेस की, इसके लिए विशेष रणनीति बनाई जाए, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हों, कैसे प्रत्येक नागरिक तक कांग्रेस की योजनाएं पहुंचे, उनका चुनावी एजेंडा पहुंचे। और प्रत्याशियों के चयन को लेकर अब चर्चा फाइनल दौर में है और संभवतः आज या कल शाम तक जो है प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाए, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि प्रत्याशियों के पास पूरा समय रहे। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा मामले में भी बातचीत हुई और एक रणनीति बनाई जा रही कि कांग्रेस के कुछ नेता भरतपुर जो बॉर्डर पर जाएं और वहां जो है विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन चूंकि अभी प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है तो संभवतः रणनीति में कुछ बदलाव हो। लेकिन इस बैठक का बड़ा फोकस, बड़ा एजेंडा जो है वो दोनों सीटों के उपचुनाव को लेकर रहा। संजय जी, बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यह है कि चुनावी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से सक्रियता साफ तौर पर यह है कि आगे आने वाले वक्त में दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने वाली है। तो चलिए एक बार फिर